श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो अज्ञानं नमो लोये सब सापूर्ण नमः शमय साराये स्वानुत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाये सर्ववावांतर जो तुम सब जो अमीर हो गरीब हो हर घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तुम्हारी बाप की बेटा की भाई की भाभी की पति पत्नी सबकी प्रॉब्लम सुना दे, क्या प्रॉब्लम बोले बता दे, क्या प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में, तेरी लाइन की प्रॉब्लम, खावे की कमी नहीं है तो भी पीने की कमी नहीं है तो भी दुखी, सोने चांदी की कमी नहीं है तो भी दुखी, मकान है खूब बढ़िया तो भी दुखी, जिनके पास नहीं उनकी बात नहीं कर रहे, तो दुखी अपने को मानते हैं, हमारे हिसाब से जिनके पास एक अच्छी नहीं भी परम सुखी सिद्ध भगवान के पास कुछ नहीं वो भी परम सुखी मुनिराजों के पास कुछ नहीं तो भी परम सुखी, लेकिन हम तो तुम्हारी बातें कर रहे हैं भाई दुखी, तो काय बात कर दो बोलते हैं बोलो, तुम्हारी खरीदार की भाषा में बोले बोलो, कई तो कई का है ये इतना खतरनाक शब्द है, ये भी शब्द का सोचा देख लिया हर एक ढाक के देख लिया, जय दो कच्चू बात का दुख नहीं, सोना चांदी हो गहना हो खान पान हो सब कुछ कई तो उसका जवाब दिया जाए, गाथा नंबर आप पढ़ लीजिए 375 से लेकर के 381 नंबर की गाथा है ना, 375 381 ज्यादा हो जो जा रही है ना, देख लीजिए दे जवाब दें बोले, तो अभी तक तो 2 घंटे की बहुत अच्छी चर्चा चल रही सागर में, इसका अच्छा बहुत ही बढ़िया सागर में अच्छी चर्चा चली इसकी, बहुत गहराई से चली, मतलब एक पॉइंट तक नहीं उठाना चाह रहे थे, शॉर्ट में गहरा है, हम बच्चों की भाषा समझाए थे, बच्चों की भाषा ये बच्चे हमारे पास आते हैं कभी कभी पुरानी बातें बता रहे हैं, अभी तो नहीं आते जा रहे पहले पंडित जी इनने हमें चिड़ा तुम बच्चे रहिए बस हम था अब हम तुमसे कह रहे सर समझ गए क्या कह रहे, हमें कई लग जात लग जात कई लग जात, सुना तुमसे प्रतिज्ञा करो हम भी किसी को नहीं कहेंगे, करो प्रतिज्ञा तो झुझका के नहीं बोले कर, हाँ हाँ हम 100 घर से कहते झुझका के नहीं बोले बेचारी काम तो कर देंगे घर वाली, लेकिन वो पति काम नहीं करते बेचारी पिटा रही काम तो कर देंगे, जब रात के माने प्रेम से कही कब आए हो रात का है मरूद का है तुम्हारा घर है हलो का है वो नौकरानी से भी गई थी नौकरानी बर्तन भाई 30 दिन में 15 दिन नहीं यार तो कुछ कर हम तो 24 घंटे काम करते तो अभी हमें कोई डुप्लीट करके दे नहीं देना है, हमें गलत बोल कैसे नहीं बोलना चाहिए, समझ गए जिस कार को बोलो तो फिर एक काम करो फिर तुम कसम खा तुम भी जिस कार के जो व्यवहार आपको अपने साथ पसंद नहीं वो दूसरों के साथ मत करो, सबकी सबकी बच्चों से पूछ गई कोई से पूछ गई मामा अम्मा से चिल्ला दादी से चिल्ला पापा से बोला प्रेम से नहीं कैसे करते प्रेम से कैसे, समझ गए शिक्षा, यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो वैसा व्यवहार दूसरे से कम करो, तुम्हें चिढ़ाना पसंद नहीं तो भी मत चिढ़ा, ऐसे हर जगह ले खा ले
ये नहीं है सब बोला तुम्हें पसंद नहीं तो तुम ही नहीं पसंद बड़े बोले बेटा अच्छा बोले समझ गया थोड़े में सब कह दिया थोड़े में सब कह दिया थोड़े में सब कह दिया थोड़े में बोला अच्छी बोला हराम है बोल हमें बहुत बुरा लगता है जब कोई नौकरों से ही बुरा बोलता है नौकरों से भैया से बोले तब तो बहुत ही बुरा लगता है नौकरों से ए इतने आ जा खाली ले ले जा अरे ऐसे तो जानवर से नहीं बोलते भारतीय परंपरा में जानवरों को भी ऐसे नहीं बोला जाता गाय को भी लोग रोटी खिला तो आगे गाय को भी ए गाय दादा दादी और सास ससुर के कोई दादा से पूछ रहे रोटी खाए नहीं बन गई चेक जगह भाषा जी भाषा ये भाषा तो माने आपको अच्छी नहीं लगती सुन लो तो ऐसे नहीं सब जगह लगा ली ना खाना पीना पढ़ना उठना बैठना ए भगवान बनने की प्राइमरी स्टेज की बात है हाँ धन्य विक्रमा महिराज लोग चाय जैसे देख कर घृणा करते हैं थूकते हैं चाय जैसा बोलते हैं तो भी उनका मन में मलिनता नहीं आती खेद नहीं आता वो है मरी दशा की तैयारी उसकी तैयारी करा रहे कौन ए तुम लोगों से घर में रहकर तैयारी करा रही बात चल रही मुरी बनना हो तो केवल कपड़ा उतारने से काम नहीं चलेगा तुम्हारे वचन भी इतने बढ़िया होने चाहिए और कोई तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे तो क्षमता भी इतनी होनी चाहिए जिसमें क्या लिखा है पता है क्या लिखा है उसने मुझसे कब कहा क्या कह रहे किसी ने निंदा की बुराई करी उसने मुझसे कब कहा और सुना उन शब्दों ने भी कब कहा कि तुम हमें सुनाओ ऐसे लिखिए उन शब्दों ने भी कब कहा कि तुम हमें सुनाओ सुनो तुम्हें क्यों सुनना पड़ती पंडित जी बता रहे सुना कहा हमें कमा कमा के मरे जा रहे फिर भी सुनना पड़ रही हमारे घर में कोई जस नहीं गा रहा सुनो और तुमसे कह रहे सबसे कह रहे वैसे था सुनो तुमने भगवान की इतनी आदर से देखी नहीं तुम्हारी भी आदर से कौन सा क्या बोला कौन बोलेगा बच्चों में से कोई नहीं सुनो भूलो ही नहीं बच्चा बच्चे भगवान के वचन आदर से नहीं सुने चला सुना पंडित जी आया बोली भाई भाई अब तुमने जिनेंद्र की वाणी देखना आशा से आपको समझ में आती कुछ विद्वान के प्रवचन में अनंत आदर से सुनोगे तब इतना पुण्य होगा कि कभी समोसरण लगे तो तुम्हें समोसरण आए मां भी भगवान एक है कोई तोड़ो भारत है बोले पूरे देश के जैनी कभी सुन बात में मैंने जिस समय महावीर भगवान थे और उनका समोसरण था उस समय भी पूरे हिंदुस्तान के जैनी नहीं सुन पाए कई लोग ऐसे ही रह रहे हाँ सुनी तो है देव गए तो थे अल्लाह मचा था हेरा तो मिला था भगवान खेल रहे थे पाटलिपुत्र में वो ही राज सुन के आए लोग बता रहे बट सुन के आए हम भी सोच रहे चले जाए मेरे काम में तनक करा रहे करा ले रही नहीं पढ़ लेना पूरे 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 हिंदुस्तान के जैनी ने महावीर भगवान का समर्थन नहीं सुना बोलो क्यों नहीं सुना हुआ बोलो अनंत आदर के साथ जब तक जिनवाणी सुनने की लालसा नहीं होगी तो भगवान की वाणी नहीं मिलेगी साक्षात समर्थन होने कभी नहीं मिलेगी उसको तो बहुत ज्यादा नहीं ज्यादा प्रवचन कर इसको बहुत प्रवचन कर लेंगे लोग चले भी गए तो जो देखा था हमने सुनी थी सही है सुनने की दुआ है बढ़िया डिजाइन है देखो तो क्या समझ ये जैसे क्या गारित मणि हो मैं क्या देख रहा था एक टाइम देवी गारी पूरी हो गई सब चले गए ये काय काम हो चलो अपना जित तो इपुर ध्यान कर ऐसे से कहा क्या देख
मैं ये बहुत बारीकी से सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जिनवाणी पढ़े तो बड़े आदर से पढ़े हैं, ताकि अब समोसरण मिला है तो दिव्यदानी से हमारा काम हो ही जाए। जहां से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम कितनी बार समोसरण मिल गए, अनंत बार समोसरण मिल गए, अनंत बार कीर्तन कर मिल गए, अनंत बार पीछे आपका एकदम नहीं, लेकिन उल्लास से नहीं गए, जिज्ञासा से नहीं गए। हाँ बोलो क्या पढ़ाया था पंडित जी ने परसों मंदिर, क्या लेकर आना चाहिए? हाँ भाई बोलो, एक बहुत अच्छा सा दिखा गए, समाधान लेके जाना चाहिए, जिज्ञासा लेकर आना चाहिए। जिज्ञासा अम्मा जी आत्मा कैसा है, इतना बढ़िया भक्ति लिखी है मैंने, बच्चों की बात बोल रही है इतनी अच्छी लगी थी, मैं छोटा था तब पहली बार पढ़ी थी, पहली बार इंदौर में पढ़ी थी, बात बोल रही बहुत साल हो गए 45 साल। मुझे देखना आत्म देव कैसा है, मुझे जिज्ञासा, ये जिज्ञासा का सब, मुझे देखना आत्म देव कैसा है, कैसा है, क्या करता है मुझे, मैंने ऐसे आनंद आया पढ़कर के बचपन में। समझ गए भैया, अभी समोसन, अभी समोसन चालू होगा, खूब जिज्ञासा से आनंद से सुनाएंगे, अभी चिंता नहीं करो, लेकिन भगवान बनना होता तो समझ में आ जाएगी वही बात, और नहीं तो तुम्हें लोग हमसे माने करो पंडित जी स्थूल हो गया है, मैं नहीं समझा था, माता रख स्थूल कह दो, कहा स्थूल कह दे भैया, हमारी जिंदगी पूरी हो गई, हम आप स्थूल समझ लो चाहे सूक्ष्म समझ लो, हम तो अपनी यही बात हो रहेंगे। तुमने आदर से नहीं सुना तो कोई सुनता नहीं, सब लोग हमसे कहते पंडित जी आप कह दी, आप कह दे तुम मान लिए सर, हम भी गाय मान ली, गाय मान ली, हम भी गाय मान ली, हमने थोड़ी बहुत अंश में थोड़ी बहुत भगवान की आदर से मानी हुई है, सब तुम हमारी सुन रहे थोड़ी बहुत, सो अभी हमारी नहीं सुन रहे, ध्यान रखियो भगवान की वाणी सुन रहे। अगर फिल्म की स्टोरी सुना दे तो कांग्रेस की बुराई करते, बीजेपी की बुराई करते, तो मतलब ऐसी बातें करते, शादी विवाह की बातें करते, ए भैया आजकल लड़कियां नहीं मिल रही, लड़का लड़की देर लगो आपस में, यहाँ से कर लगे तुम कह रहे एक आगे पंडित जी, माने हम भगवान की वाणी बता रहे, क्या भगवान की वाणी बताई, मैं आत्मा, बोलो भैया क्या कहा, याद रखना जिज्ञासा से समझना, बच्चा चाहे पूरी तो शुरू नहीं हुआ, 2 घंटा कितने भी कह देंगे इतनी तो समझ ही लो, लेकिन जी बात पे चर्चा चलेगी। मैं आत्मा हूँ, भगवान बनने के लायक हूँ, ये बात जिज्ञासा करने लायक है, पूछने लायक है, समझने लायक है, सुनने लायक है। अब बोलो थोड़ी देर झूठा आदर मिल जाए और अनंत काल, अनंत काल का संसार है, और थोड़ी देर की निंदा प्रशंसा मिल जाए लोग की, और हम उसमें समझा के आत्मा को जानकर मोक्ष चले जाएं, फायदा का व्यापार का है, बोलो बोलो मोक्ष। तो सुनो आज से निंदा की चिंता नहीं करेंगे, छोटी छोटी दशा दे रहे हो बंद कर रहे हो, बोलो भाई आप किसे से कौन कौन है जो निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जल्दी बोलते तो हम बात करें, तो बर्दाश्त नहीं, बच्चे होते ना झेठ हाथ लटा दे, बर्दाश्त तो सब ही नहीं है, तो बच्चा तो कमरे के बर्दाश्त नहीं। अब हम सुना रहे सुनो, मत कहो कोई बात नहीं, हम कह रहे सुनो, हमें मालूम है तुम निंदा बर्दाश्त कर सकते हो, तुमने निंदा बर्दाश्त करने की अनंत सामर्थ है, क्या बोल रहे हैं, निंदा सामर्थ बर्दाश्त करने की अनंत सामर्थ है, कैसे सपोज एक कुमारा लड़का माँ की गाली बर्दाश्त नहीं कर पाता, बाप तक मत जाइए, बाप तक मत जाइए, सुना अब गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 1 लाख और 1 गाली रुपए मिले, 1 गाली और 1 लाख रुपए मिले, बोलो गाली कौन कौन बर्दाश्त नहीं कर पाता, तुम्हें 25 गाली मिली और 25 लाख
तुम्हें कितनी चाहिए, ज्यादा से कम की जाए? कम नहीं है, हम चाहे 50 साल मिले जाए 25 मिले, या 50 साल मिले जाए 25 साल मिले, उन्हें को तो कौन को तो ही है सुनते बनिया ने, बनिया ने बोलो ईमानदारी से 50 गाली मिले बाय तुमका समझा बोलो हम बोले हम बताए समझ अंदर की अंदर की हाँ जे बोले बनिया आदमी पूरी जिंदगी में व्यापार खत्म हो जाएगा, आराम से प्रयास भी करेंगे वो खराब भी जब हमें रुपया के चक्कर में गाली बर्दाश्त कर सकते हैं तो अनंत काल के मोक्ष के लिए क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? वैसे ना कोई गाली देता है तो हमने सुन में कह दिया, वो अन्याय नहीं करता, हमने दी होगी सभी सुनो, हमने निंदा की होगी सभी, हमें किसी का दोस्त नहीं, हमें किसी की कंप्लेंट नहीं, बहुत कुछ कह दिया सभी सारे में, बहुत कुछ कह दिया, दीनों बंधुनी भगवान तो कष्ट क्यों नहीं होता, निंदा प्रशंसा क्यों नहीं लगती, वे प्रशंसा क्यों नहीं सुनना चाहते और निंदा से डरते क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हें पैसा नगद दिखाई देता इसलिए खुश हो, उन्हें आतिंद्रिय आत्मा का आनंद दिखाई देता है, कर्णादेव की भाषा में कहो तो कर्मों की निद्रा दिखाई देती है, द्रव्यादि की भाषा में कहो तो संवर और निद्रा का आनंद दिखाई देता है, प्रथमान योग से कहो तो बोलो भाई यदि एक गाली को दे दे और हम दो गाली बोल दे तो सुनिए सब लोग ध्यान से, एक गाली को हमें दो दे तो हम बड़े पुरुषार्थ की छोटे पुरुषार्थ, दो गाली दे दीजिए भरी जा कहो कैसे पंडित जी बताओ, वो तो चलो शराबी है तो वो तो पापी तो पंडित जी तो जिम्मानी ही गाली बोल रहे थे, बताओ गाली बोली हरी गाली बोली, घर घर में रोटी के साथ साथ गाली बोली, तुमने सुनी, तुमने सुनी गाली बोली, बताओ पंडित जी ने तो जब नहीं थी, मैंने दो गाली बोलने पर इतना पाप का हो गया, पाप आता है सुनो, और सप्ताह से सही लेते 10 गाली देता हूँ ससन रोटी खा दी गाली नहीं देते दे भैया, आज मैं पंडित जी की सामता दे पंडित जी सामता देगी, सुनो इतने घर में स्तुति हो गई बोलते बस कर लोगे प्रबंध इसके बाद पंडाल लाख दे रहे बस, सुनो निंदा से मत डरो, निंदनी कार्य करने से डरो, प्रशंसा मत चाहो, प्रशंसनी कार्य सदा करो, ओम नमः शिवाय।